ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है और साथ में थ्री डेज जब कभी भी हम यूनिट एज्यूम करते हैं तो ऐसा नंबर एज्यूम करते हैं जो प्रैक्शन कैलकुलेशन को इन्वॉल्व ना करे यहां पे कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को करने में कितना दिन ले रहे हैं फाइव डेज ले रहे हैं तो लेट से मैंने एज्यूम कर लिया कि ये हमारा थर्टी यूनिट डन है तो अगर ए और बी फाइव डेज में काम कर रहे हैं तो इनकी पर डे की इफिशियंसी कितनी आएगी थर्टी डिवाइडेड बाई फाइव दैट इंप्लाई ये आ जाएगा सिक्स यूनिट ठीक है अभी हमारा टोटल वर्क डन है ये थर्टी यूनिट और ए और बी का पर डे का इफिशियंसी है सिक्स यूनिट अभी तक हमने सिंपली यही करा है ठीक है नाउ इन दोनों का कम सिक्स यूनिट है तो एक को अज्यूम कर लो कि ये एक्स है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली सिक्स माइनस सिक्स हो जाएगा आगे क्या कह रहा है कि इफ a वर्क ट्वाइस एज इफिशियंटली एज ही एक्चुअली डिड इसका क्या मतलब है कि अगर a पहले x यूनिट काम करता था तो अब कितना काम करेगा इसका डबल यानी टू एक्स यूनिट और कह रहा है B वर्क वन बाई थ्री एज इफिशियंटली मतलब बी अब वन बाई ही काम करेगा जो पहले करता था तो पहले सिक्स माइनस एक्स काम करेगा तो अब कितना करेगा इसका वन बाई थर्ड यानी आप क्या लिखोगे सिक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई थ्रीप्लाई अल्टीमेटली टू माइनस एक्स बाई थ्री के ठीक है ये तो अब नया इफिशियंसी हमें मिल गया टू एक्स और टू माइनस एक्स बाई थ्री अगर आप दोनों इस इफिशियंसी से काम करते हैं तो दोनों को काम करने में कितना दिन लगता है थ्री डेज लगता है इसका क्या मतलब है कि टू एक्स इंटू थ्री प्लस क्या लिखोगे टू माइनस एक्स बाई थ्री इंटू थ्री ये टोटल काम होगा और यही काम किसके इक्वल होगा अभी भी तो वो सेम काम ही कर रहे हैं मींस जो टोटल वैल्यू किसके इक्वल होगा थर्टी यूनिट के तो यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा सिक्स एक्स प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री इंटू टू तो ये होगा सिक्स और माइनस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री थ्री से थ्री कैंसिल यानी मिलेगा एक्स और ये इज इक्वल टू आ जाएगा आपको यहां से सिक्स एक्स माइनस एक्स दैट इंप्लाई फाइव एक्स और ये इज इक्वल टू इधर ले जाओगे तो आपको मिल जाएगा ट्वेंटी फोर तो एक्स का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव तो एक्स की इफिशियंसी आपको पता चल गया एक्स किसकी आपने करा था तो इफिशियंस so, को टोटल वर्क टाइम कितना लगेगा कंप्लीट करने में वर्क को टाइम टोटल वर्क डन हमारा कितना था थर्टी यूनिट तो थर्टी और इफिशेंसी कितनी है ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव तो इससे डिवाइड करोगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा फाइव और नीचे में क्या आ जाएगा ट्वेंटी फोर सिक्स फाइव सिक्स थे ये फोर दट इम्प्लाई ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर यानी सिक्स वन बाई फोर डेज आएगा सो so ये हमारा क्या होगा आंसर होगा